So, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपको आईफोन 15 लेना चाहिए या आईफोन 16 लेना चाहिए, या फिर अगर आपके पास 15 है तो आपको 16 में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सो अब देखो, मेरे हिसाब से आपको स्पेसिफिकेशंस वगैरह सब मालूम होंगी अगर आप इस वीडियो तक आ गए हैं। तो हम लोग सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि अगर आपके पास आईफोन 15 है तो क्या आपको 16 में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, मेरे हिसाब से तो फिलहाल आप रुक सकते हैं, अगला जो आईफोन आएगा उसमें आप अपग्रेड कीजिएगा। इसके मतलब दो मेन कारण है। देखो, एक तो क्या है कि बहुत छोटे छोटे अपडेट्स हैं, मतलब क्या है, छोटे 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 अपडेट्स किए गए हैं। मेजर दो ही अपडेट्स हैं, एक है A18 बायोनिक चिप। हाँ, तो दूसरा बात ये है कि भाई एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट इसको मिलेगा, 15 को नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से एक साल रुका जा सकता है एप्पल इंटेलिजेंस के लिए। अगले वाले में आप अपग्रेड करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा बेटर क्या बोलते हैं डील मिल पाएगी, क्योंकि अभी आप जो है एक्स्ट्रा इतने सारे पैसे खर्च करके 16 में अपग्रेड करेंगे उसका लॉजिक बनेगा नहीं। लेकिन आप अगला जो आईफोन आएगा उसमें अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चेंजेस हो चुके होंगे। सो वही बात है। और दूसरा क्या है, एप्पल इंटेलिजेंस भी अभी अभी अनवील किया गया है, तो उसको रोल आउट अगर करेंगे तो 3-4 महीने तो ऐसे ही लग जाएंगे। उसके बाद उसमें थोड़े थोड़े ग्लिचेस वगैरह कुछ कुछ रहेंगे, क्योंकि नई चीज़ है ना यार। तो वो है, उसको फिनिश अप करते करते मेरे हिसाब से 6-7 महीने पूरे लगेंगे फुल उसको फॉर्म में आने में। तो इसीलिए यार मैं बोलूँगा अगले आईफोन का आप वेट कर लीजिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोग नया आईफोन खरीद रहे हैं और 15 और 16 में कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि 15 आपको अप्रॉक्स 10,000 कम में मिल रहा है अगर ऑफिशियल प्राइस की बात करें। सेल की अगर बात करेंगे तो भाई आपको 15-20 हज़ार कम में मिल जाएगा 15। तो 15 लें या 16 लें, मेरे हिसाब से कोशिश कीजिए कि आप 16 ही ले लीजिए। और इसका सिर्फ प्राइमरी कारण मैं आपको बताऊंगा यार, एक तो है कि वही एप्पल इंटेलिजेंस, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस आज लग रहा होगा कि यार ये एआई वाले फीचर्स तो क्या है ना, एक्स्ट्रा फीचर्स है या फिर बहुत ज़्यादा गीकी फीचर्स है, मतलब कौन ही यूज़ करेगा इसको। लेकिन 2 साल बाद जो है यही फीचर्स आम जिंदगी में हर कोई यूज़ कर रहा होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो वो स्क्रीनशॉट्स में जो सर्च करने का फीचर है, उसमें क्या है कि आप देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, सर्च कर लीजिए, वो आज आपको लग रहा है कि ये कौन ही यूज़ करेगा, लेकिन 2 साल बाद हर कोई यूज़ कर रहा होगा इस फीचर को, और मतलब पता भी नहीं चल रहा होगा उनको। तो वही बात है यार, आज जो फीचर आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, गीकी लग रहा है, वो 2 साल बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा, इसीलिए मैं बोलूँगा यार। और दूसरा क्या है, A18 चिपसेट आपको मिल जा रहा है इसमें, तो वो भी एक बड़ी बात है। परफॉर्मेंस वाइज भी जो है आप थोड़े लंबे टाइम के लिए सिक्योर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बोलूँगा कोशिश करो कि 16 की तरफ चले जाओ यार, है ना। लेकिन अगर बजट टाइट है तो मैं बोलूँगा थोड़ा वेट कर लो फिर, कि मतलब हाँ अगली जैसे आगे सेल वगैरह आएंगी तो उसमें आपको 5,000 कुछ कम में मिल जाएगा हो सकता है 16। शॉर्ट में बोलूँ तो 16 ले लो भाई, कोशिश करो कि कैसे भी करके 16 ले लो। बस इतना ही था इस वाली वीडियो में। नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और कोई डाउट वगैरह रहेंगे तो कमेंट कर देना, जल्द से जल्द आपका जवाब दे दूंगा। सब्सक्राइब जरूर करना यार, ताकि नेक्स्ट जो आईफोन आए उसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय बाय।